Hello and welcome to my Desi YouTube channel. My name is Dr. Kumar Vineet or in B.Tech Computer Science in first year there is a paper graph theory, and in graph theory there is an important topic, Fleury algorithm. First of all, we should know that where it used. It is used to form Euler's circuit in a graph with all vertices of even degree. Okay. To discuss this, first of all, we should discuss about Euler circuit. What is Euler circuit? तो यूलर सर्किट को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्किट, सर्किट से तो आप लोग परिचित हैं, सर्किट होता क्या है. किसी ग्राफ में सर्किट उसे कहते हैं कि इनिशियल वर्टेक्स एज का एक ट्रेल फॉर्म करते हैं और वर्टेक्स से स्टार्ट करते हुए वर्टेक्स एज ट्रेवर्स करते हुए एज के बाद वर्टेक्स, और फाइनली हम जब वर्टेक्स इनिशियल वर्टेक्स कंसीडर करते हैं वहाँ से स्टार्ट करके पूरा एक सर्किट फॉर्म करते हुए फिर उस इनिशियल वर्टेक्स पर ही हम टर्मिनेट कर जाते हैं, या यूं कह लें कि इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स वो दोनों कोइंसाइड कर जाए, तब जो सर्किट फॉर्म कर रहा है वो हमारा, तब वो जो एक तरह से एक ट्रेल फॉर्म कर रहा है जो कोइंसाइड हो जा रहा है, तो वो एक सर्किट होता है एक्चुअली. और ऐसा सर्किट जिसमें सारे के सारे एज ट्रेवर्स किए जाएँ और केवल एक बार, तो ऐसे सर्किट को यूलर सर्किट कहते हैं. देखिए जरा सा इसे नाम को लिख लीजिए, यूलर सर्किट. तो द सर्किट इन ए ग्राफ विच ट्रैवर्सेस every age only once. So the circuit in a graph which traverses every age only once. तो ऐसा सारे के सारे ages को traverse करते हुए just minute. तो एलर सर्किट की बात कर रहे थे, तो एक एग्जांपल से इस बात को हम लोग समझते हैं. एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं ग्राफ का. मान लीजिए आपके पास ये एक ग्राफ है v1 v2. ये दो वर्टिसेस हैं v1 और v2, और इस ग्राफ में हमारे पास एक दो e1 e2 E3, E4, there are four cages, ठीक है. तो यूलर सर्किट इस फॉर्म में, इस ग्राफ में यूलर सर्किट अगर जो फॉर्म करना हो, तो शर्त हमारी क्या है, यूलर सर्किट की शर्त ये होती है कि यूलर सर्किट की शर्त ये होती है कि सारे के सारे एजेस को ट्रेवर्स करना है और वो भी केवल एक बार, इसी को यूलर सर्किट कहता है. तो मान लीजिए हमने V1 से स्टार्ट किया, V1, तो V1 से स्टार्ट करके V1, फिर E1 एज, फिर V2 वर्टेक्स, फिर E3 एज, फिर V1 वर्टेक्स, फिर E2 एज, फिर उसके बाद V2 वर्टेक्स, फिर E4 एज, फिर V1. तो देखा जाए V1, E1, फिर V2, फिर E3 या E2 कोई भी ले लीजिए, E2 ले लीजिए, E2, V1, E3, V2 एंड E4.
E4. Is it clear? Okay. तो ये फिर उसके बाद E4 के बाद फिर हम कहां चले जा रहे हैं? V1. तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स ये दोनों कंसेंट कर रहा है. इनिशियल वर्टेक्स से स्टार्ट किया और ये ट्रेल फॉर्म करते हुए फिर कहां पहुंचे? V1 पर. तो V1 से स्टार्ट हुआ, V1 पे पहुंच गया. इट मींस दैट दिस इज अ सर्किट एंड दिस टाइप ऑफ सर्किट सिंस ऑल एजेस आर ट्रैवर्स्ड हियर सो दिस सर्किट इज एग्जैक्टली यूलर सर्किट. यूलर सर्किट और हैमिल्टोनियन सर्किट, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यह है कि यूलर सर्किट में सारे के सारे एजेस ट्रेवर्स किए जाते हैं और हैमिल्टोनियन सर्किट में सारे के सारे वर्टिसेस ट्रेवर्स किए जाते हैं ओनली वंस. ठीक है, कोई बात नहीं. अब जो है यूलर सर्किट की बात हो गई. एक और टर्म है जिस पर हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए, एल्गोरिदम. फ्लूरी एल्गोरिदम को समझने से पहले क्या ब्रिज, व्हाट इज ब्रिज, ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं. ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये है, ब्रिज एक्चुअली कुछ और नहीं, एज की ही एक कैटेगरी है. एज क्या हो, मतलब ऐसे एज को ब्रिज कहा जाता है जिसको रिमूव कर देने से ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए. सपोज दैट आपके पास एक ग्राफ इस टाइप का है, मान लीजिए आपके पास ये एक ग्राफ है V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, E4 और E5. मान लीजिए आपके पास ये एक ग्राफ है. इन दिस ग्राफ V1, V2, V3, V4 देयर आर 4 वर्टिसेस एंड हाउ मेनी एजेस आर हियर? E1, E2, E3, E4 एंड E5. E5 इज सेल्फ लोड. तो ये इतने एजेस है. तो ऐसे एज को हम ब्रिज कहते हैं जिस एज के रिमूवल पर ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए. तो देखिए E1 को अगर जो हम लोग रिमूव करें, तो E1 को हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या अंतर पड़ता है, किसी क्या ये ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है? ये पूरा ग्राफ एक कंपोनेंट में है. अगर जो इस एक एज को रिमूव कर दिया जाए तो क्या हमारा ग्राफ दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जा रहा है? देखा जाए तो E1 को हमने निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ग्राफ एक ही कंपोनेंट का डिसजॉइंट ग्राफ है. ठीक है, E1 की बात छोड़िए, E2 पर देखते हैं. E2 को जब हम रिमूव करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? E2 को रिमूव करने पर भी ग्राफ हमारा डिसजॉइंट रहता है, डिसजॉइंट नहीं होता है. ठीक है, फिर उसके बाद E3 को रिमूव करके देखते हैं. E3 भी रिमूव करने पर हमारा ग्राफ डिसजॉइंट नहीं हो रहा है, हमारा ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, एक ही कंपोनेंट में है. फिर E4 को ब्रेक करके देखा जाए, सॉरी E4 ये वाला एज है, E4 को अगर जो हम रिमूव करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ग्राफ दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जा रहा है. जैसे इसको हमने रिमूव किया तो एक कंपोनेंट ग्राफ का ये दिखाई दे रहा है और दूसरा कंपोनेंट ग्राफ का ये दिखाई दे रहा है. ये दो कंपोनेंट्स ग्राफ के हमारे मिल जा रहा है. इसका मतलब E4 जो है वो हमारा एक ऐसा एज है जिसके रिमूव करने पे ग्राफ डिसजॉइंट हो जा रहा है. तो ऐसे ही एज को हम क्या करते हैं? ब्रिज कहते हैं. तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह से बना सकते हैं कि एक एन एज, एन एज इन ए ग्राफ, एन एज इन ए ग्राफ विच डिस्कनेक्ट द ग्राफ एन एज इन ए ग्राफ विच डिस्कनेक्ट द ग्राफ when we remove it. Okay, thank you. तो ये ब्रिज की बात हो गई. अब हमें फ्लूरी एल्गोरिदम में जिन जिन चीजों का यूज करना था वो सारी चीजें इसमें सारे टर्म्स हम लोग यूज कर लिए हैं. अब हम लोग बात करते हैं आगे फ्लूरी एल्गोरिदम को कैसे हम अप्लाई करते हैं. प्लीज जस्ट तो
क्वेरी एल्गोरिथम पर बाकी जो टर्म्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लिए, एक प्रॉब्लम पर हम लोग फोकस करते हैं इसको समझने के लिए। यूजिंग क्वेरी एल्गोरिथम फाइंड यूलर सर्किट ऑफ द ग्राफ इन द ग्राफ इन द ग्राफ। ठीक, तो जब शुरू में फ्लूरी एल्गोरिज्म स्टार्ट किया था तो उसमें एक लाइन हमने लिखा था शुरू में कि इट इज यूज्ड टू फाइंड यूलर सर्किट इन अ ग्राफ विथ विच विच विथ ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ इवन डिग्री। मतलब ये फ्लूरी एल्गोरिज्म ऐसी ही जगह यूज कर सकते हैं यूलर सर्किट फॉर्म करने के लिए जहां पर सारे के सारे वर्टिसेस जो है वो इवन डिग्री के हों। तो जरा सा हम लोग देखें कि ये दिया हुआ ग्राफ में क्या फ्लूरी एल्गोरिथम का यूज करके हमें हम लोग यूलर सर्किट फॉर्म कर सकते हैं। तो सारे के सारे वर्टिसेस इवन डिग्री के होने चाहिए, तो ए वर्टेक्स है इसकी डिग्री 2 है, बी वर्टेक्स की डिग्री 2 है, डी वर्टेक्स की डिग्री 2 है, सी वर्टेक्स की डिग्री 4 है, ई वर्टेक्स की डिग्री 4 है, एफ वर्टेक्स की डिग्री 2 है, जी वर्टेक्स की डिग्री 2 है, एच वर्टेक्स की डिग्री 4 है, I की डिग्री 4 है, J की डिग्री 2 है, K की डिग्री 2 है, L की डिग्री 2 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री कितनी है इवन। तो हम यहाँ पर फ्लूरी एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके कि क्या करते हैं। तो शुरू फ्लूरी एल्गोरिथम का यूज करने के लिए हम लोगों को तीन कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक होता है करेंट पाथ, करेंट दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट एज नेक्स्ट एज, तीसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे रीजन या रिमार्क रिमार्क। चलिए तो करेंट पाथ, सबसे पहले हम लोग पाथ चूज करेंगे P1 में एक एक वर्टेक्स लेके हम लोग प्रोसीड करते चलेंगे। तो P1 में हम लोगों ने सबसे पहले एक वर्टेक्स ए लिया, ए मान लीजिए इनिशियल वर्टेक्स ए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल वर्टेक्स ए को हमने लिया करंट पाथ। ए से अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज कौन कौन से एजेस संभव हैं, तो ए से बी, ए बी एक एज हो सकता है, ए डी एक एज हो सकता है, लेकिन ब्रिज जो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था उसका यूज यही है कि कोई भी एक ऐसा एज ही हम लेंगे जो ब्रिज ना फॉर्म कर रहा हो। तो ए बी या एडी इन दोनों में से कोई एक हम लेते हैं, ए बी मान लो हमने लिया, नेक्स्ट एज मान लो कंसीडर किया हमने ए बी। चलो ए बी जब कंसीडर कर लिया तो क्या देख लो पहले कि कंसीडर करने लायक है कि नहीं है, ये ब्रिज तो नहीं फॉर्म कर रहा है। तो ए बी को अगर जो हम लोग रिमूव करते हैं तो ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये हमारा ब्रिज नहीं है, तो इसे हम ले सकते हैं। तो रिमार्क में हम लिख दें दिस इज नो ब्रिज, नो ब्रिज, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पाथ जो होगा P2, ये हमारा होगा ए बी, ए बी। अच्छा बी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्टेक्स क्या होगा, बी के बाद नेक्स्ट वर्टेक्स हमारा ऑब्वियस सी बात है केवल एक सी ऑप्शन है और ब्रिज फॉर्म नहीं कर रहा है। अरे भाई ये हमने ले लिया और ये जब बी सी हम ले लेंगे तो हमारा इधर तो ऊपर वाले में कुछ बच नहीं रहा है, नीचे वाला बच रहा है, नीचे वाले से ऊपर वाले का कोई ऐसा मतलब तो है नहीं कि इसको रिमूव करने पे हमारा ये डिस्कनेक्ट, ये तो जॉइंट है ही यहाँ, ठीक है। तो बी से हमने लिया बी सी, अब हमने बी से सी को ही क्यों लिया, क्योंकि वी हैव नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद P3 के लिए ए बी सी, ए बी और सी ये हमारा नेक्स्ट मतलब करेंट पाथ अब हमारा ए बी सी है। और सी से हमारा नेक्स्ट एज क्या हो सकता है, सी से हमारा नेक्स्ट एज हो सकता है ई या एच। तो ई और एच दोनों में से कोई भी हमारा ब्रिज नहीं फॉर्म कर रहा है, सी ई ले रहा है वो भी ब्रिज फॉर्म नहीं कर रहा है, सी एच ले रहा है वो भी ब्रिज फॉर्म नहीं कर रहा है। तो वी आर इंडिपेंडेंट टू चूज एनी एज फ्रॉम दिस। तो हम लोग मान लो ले लेते हैं सी से, सी से हमने ले लिया E. एक सीक्वेंस बनता रहेगा क्योंकि हम लोग नीचे भी ले सकते थे, बट यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि थोड़ा सा इजी रहेगा सीक्वेंस में लेने पे। तो ऊपर अपर वाला पोर्शन ले रहे ना, फिर उसके बाद यहाँ से जब रिटर्न होंगे नीचे वाला पोर्शन लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी ई,
सीई हमने ले लिया, और सीई के लिए हम क्या कहेंगे, नो ऑप्शन तो कह नहीं सकते क्योंकि सीई सी एच देयर आर टू ऑप्शंस, वी कैन से नो ब्रिज, नो ब्रिज ये बात कह सकते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर पी फोर, पी फोर के लिए ए बी सी ई, ये हमारा करंट पाथ है, और करंट पाथ है तो ई के बाद हम क्या ले लेंगे, ई के बाद हम ले सकते हैं जी भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं। तो ई से आई पर हम प्रोसीड करने से पहले सोचेंगे कि ये वाला पूरा कर लें, तो ई के बाद हम एफ और एच, एफ और जी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ई एफ लेते हैं तो वो भी ब्रिज का काम नहीं करता है, ई जी लेते हैं तो भी ब्रिज का काम नहीं करता है, मतलब ये दोनों ब्रिज नहीं है, तो दोनों में से वी आर इंडिपेंडेंट टू चूज एनीवन। तो मान लीजिए हमने ले लिया एफ, एफ तो इसके लिए ऑप्शन आप लिख सकते हैं, मतलब रिमार्क लिख सकते हैं, नो ब्रिज, नो ब्रिज, ठीक है। फिर उसके बाद पी फोर, पी फोर के बाद नेक्स्ट पी फाइव हमने पास ले लिया, ए बी सी ई के बाद एफ था, सॉरी ई एफ, हाँ एफ के बाद हम फिर कौन सा हमारे लिए, ई एफ तो हम ले चुके हैं, एफ के बाद केवल ये वाला एक पाथ हमें दिखाई दे रहा है, ये एज दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एज, तो एफ के बाद हम ले लिए एच, एफ के बाद एच ले लिए, और इसके लिए हमारा रीजन यही है कि नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद पी सिक्स इज इक्वल टू ए बी सी ई, एफ के बाद आया है एच, और एच के बाद नेक्स्ट एज हमारा क्या होगा, एच के बाद हम आई भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा एक सीक्वेंस ऐसे मेंटेन रहे इसकी वजह से एच के बाद हम जी ले लेते हैं, ठीक है जी, एच के बाद आई ले लेंगे, तो आई के बाद फिर इधर वाला अगर जो लेते हैं तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, या इधर हम चले जाते हैं तो फिर वो सीक्वेंस बनाने में दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा है कि एच के बाद हम लोग जी ले लें, ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग ऐसे जाएंगे और ऐसे लौट आएंगे, ठीक है। तो एच, सॉरी एच के बाद जी, और एच से जी के लिए हम लोग अगर जो देखें तो ये भी वही बात होगी, नो ब्रिज, ब्रिज नो ब्रिज। फिर उसके बाद पी सेवन, पी सेवन ए बी सी ई एफ एच एंड आफ्टर दैट जी, और जी से हमारा नेक्स्ट पाथ क्या होगा, ई, जी से हमारा नेक्स्ट पाथ हो गया ई, जी से नेक्स्ट पाथ ई हो गया, अब ई से फिर हम उधर चलेंगे, ई से आई ले लिया हमने, लेना है अभी ई से आई लेंगे, फिलहाल जी से ई के लिए नो ऑप्शन लिखेंगे, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद पी एट, पी एट ए बी सी ई एफ एच जी और फिर ई, फिर नेक्स्ट एज क्या हो जाएगा, ई से हमारा नेक्स्ट एज हो जाएगा आई, ई के बाद, और आई ई आई जो है वो हमारा क्या है, नो ऑप्शन वाला मामला है, नो ऑप्शन, यस नो ऑप्शन, ठीक है नो ऑप्शन। अब पी नाइन नेक्स्ट पाथ हम लिए, करेंट पाथ मतलब अगला जो है वो ए बी सी ई एफ एच जी ई और उसके बाद आई, आई के बाद फिर हमारा जो है ये क्या हो रहा है जरा देखिएगा, आई के बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं जे और एल, तो जाहिर सी बात है आई के बाद हम जे ही लेंगे उसी क्रम में, आई के बाद हमारा जे, मतलब ये वाला एज हमने कंसिडर कर लिया नेक्स्ट एज, और इसके लिए हम क्या आर्गूमेंट दे सकते हैं, क्या रीजन दे सकते हैं, आई से जे नो ब्रिज, नो ब्रिज, ठीक है। फिर उसके बाद पी टेन, इज इट क्लियर होना, तो ए बी सी ई एफ एच जी एच सॉरी जी के बाद ई है, फिर आई, और आई के बाद आया था जे, जे ठीक है जे, और नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या हो जाएगा, जे से नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा के, ठीक है जे के।
अब जेके के लिए नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, ठीक है, देखो बची नहीं रही, ठीक है। तो इधर अगर जो हम बात करें तो पी टेन तक हम लोग गए थे, पी इलेवन देखिएगा, पी इलेवन में ए बी सी ई एफ एच जी ई आई जे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज होगा के, सॉरी के भी आ गया था यहाँ, के बाद नेक्स्ट स्टेज के के साथ कौन सा एज, एफ के एफ, और उसके लिए हम रीजन क्या लिखेंगे, रिमार्क क्या लिखेंगे, के एल के साथ रिमार्क हम लिखेंगे नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, ठीक है। फिर पी ट्वेल्व ए बी सी ई एफ एच जी ई आई जे के एल, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या हो जाएगा, एल के बाद आई, एल आई, ध्यान रहे हम लोग यूलर सर्किट फॉर्म कर रहे हैं और यूलर सर्किट को फॉर्म करने में वर्टिसेस का रिपीटिशन होता है, तो कोई बात नहीं, वर्टिसेस का रिपीटिशन का कोई बात नहीं, एजेस का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी सावधानी हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी एज छूटने पाए, छूटने ना पाए, सारे के सारे एजेस ट्रेवर्स करने हैं और वो भी केवल वंस, ठीक है। वर्टिसेस भले रिपीट होते हैं लेकिन एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ से चले हम ऐसे आए, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे गए, फिर ये ऐसे एजेस को ट्रेवर्स करते हुए ऐसे आए यहाँ पर, अब यहाँ से ऐसे ऐसे हम जाएंगे और यहाँ पर जाके इनिशियल टर्मिनल कॉन्साइट कर जाएगा जिससे हमारा वो सर्किट फॉर्म कर जाएगा। तो एल आई नेक्स्ट एज है, एल आई नेक्स्ट एज है, और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ हमारा जाएगा नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, ठीक है। पी थर्टीन ए बी सी ई एफ एच जी ई आई जे के एल, एल के बाद आई, और नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या हो जाएगा, आई के बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा हो जाएगा आई के साथ, आई के साथ हमारा नेक्स्ट स्टेज एच, आई एच, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नो ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है, नो ऑप्शन। फिर उसके बाद टी, नो ऑप्शन इसलिए कि ये एजेस हम ट्रेवर्स कर चुके हैं और हम जानते हैं कि किसी भी एज का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो हमारा ऐसा ना हो कि उतर जाने पे फिर मेरा एज जो है रिपीट होने लगेगा और ये मुझे बचाना है, तो आई एच, नो ऑप्शन। पी फोर्टीन ए बी सी ई एफ एच जी ई आई जे के एल आई, और फिर उसके बाद था एच, और नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज हमारा ये हो जाएगा एच के बाद, एच से कौन सा एच, सी, सी एच सी, और एच सी के लिए फिर हम देखें जरा, तो कोई ऑब्वियस सी बात है, नो ऑप्शन, क्योंकि ब्रिज, ब्रिज की बात तो बात रही नहीं है कि ये ब्रिज का काम एक्चुअली कर भी लिए, सारे के सारे जब हम ट्रेवर्स कर चुके हैं तो बचा तो हमारे पास यही ऑप्शन, और इन ऑप्शन में अगर जो ये किनारे वाले एज को हम रिमूव करते हैं तो ब्रिज की बात ही नहीं फिर आती है, तो एच सी, एच सी, नो ऑप्शन, ऑब्वियसली। एंड पी फिफ्टीन इज इक्वल टू ए बी सी ई एफ एच जी ई आई जे के एल आई एच के बाद सी, एंड सी के बाद फिर डी, और नेक्स्ट इज सी के बाद डी, और डी से नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या हो जाएगा, डी से ए, डी से ए, नेक्स्ट एज डी से ए, तो फिर हमारा फाइनल जो पाथ मिलेगा वो एक सर्किट होगा, वो हमारा होगा ए बी सी ई एफ एच जी ई आई जे के एल आई एच सी डी और ए। इनिशियल वर्टेक्स, टर्मिनल वर्टेक्स दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड यूलर सर्किट हो गया इस दिए गए ग्राफ में। ओके, थैंक यू।